नमस्कार दोस्तों, मैं मनोरंजन, आप देख रहे हैं सॉल्यूशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन में दिया गया है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव करने के लिए हमको लेना है लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर, मतलब हम लेंगे रूट 5 एज ए रेशनल नंबर। देन वी कैन टेक ए एंड बी टू को प्राइम इंटीजर। ए एंड बी को टू को प्राइम इंटीजर में लेके हमको लेना है रेशनल नंबर। देयरफॉर सच दैट रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी में लेना है क्योंकि ये हम ले रहे हैं, ये एक रेशनल नंबर है एंड बी इक्वल इज नॉट इक्वल टू जीरो। बी रूट 5 इक्वल टू ए। रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी है तो बी रूट 5 इक्वल टू ए होगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड हमको मिलेगा 5b² इक्वल टू ए स्क्वेयर। 5b² इक्वल टू ए स्क्वेयर। सो रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन बी रूट 5 इक्वल टू ए। बी रूट 5 इक्वल टू ए उसमें से हमको मिला। स्क्वेयरिंग बोथ साइड 5b² इक्वल टू ए स्क्वेयर है। 5b² इक्वल टू ए स्क्वेयर है। देन हम देखें तो ए स्क्वेयर एज वेल एज ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। 5b² इक्वल टू ए स्क्वेयर है, मतलब ए स्क्वेयर इक्वल टू 5b² 5 एंड बी स्क्वेयर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ए स्क्वेयर आता है। सो ए स्क्वेयर को हम 5 में डिवाइड कर सकते हैं। सो देयरफॉर ए स्क्वेयर एंड ए एज वेल एज डिवाइडिंग बाय 5। 5 ए स्क्वेयर एंड ए को डिवाइड करता है। एंड फॉर द नेक्स्ट सो वी कैन टेक ए इक्वल टू 5c वेयर सी इज एन इंटीजर। ए इक्वल टू 5c वेयर सी इज एन इंटीजर है। अगर सी एक दूसरा इंटीजर है सो हमको लेना है ए इक्वल टू 5c। सो 5b² इक्वल टू ए स्क्वेयर हमको पहले से मिला है वो 5b² इक्वल टू ए स्क्वेयर। सो ए स्क्वेयर की जगह हम 5b² रिप्लेस करेंगे। ए स्क्वेयर की जगह हम 5c रिप्लेस करेंगे, सॉरी ए स्क्वेयर की जगह हम 5c रिप्लेस करेंगे। अगर रिप्लेस किए तो हमको मिलता है 5b² इक्वल टू 5c के होल स्क्वेयर। सो 5b² इक्वल टू 25c² होता है। 5b² इक्वल टू 25c² और उसमें से हमको मिलता है b² इक्वल टू 5c² 5 कट जाएगा। अगर 5 से कट गया, 25 को कटने का टाइम 5c बचा है c², सो b² इक्वल टू 5c². फिर हमको पहले से मिला था a स्क्वेयर। a स्क्वेयर एज वेल एज a इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वेयर एज वेल एज ए इज डिविजिबल बाय 5। फिर अभी मिला b² एज वेल एज बी आल्सो इज डिविजिबल बाय 5। 5 × c² इक्वल टू b². सो b² कैन बी डिवाइडेड बाय 5। अगर b² डिवाइडेड बाय 5 है सो बी आल्सो डिवाइडेड बाय 5। सो फर्स्ट इज ए स्क्वेयर एज वेल एज ए आल्सो इज डिविजिबल बाय 5। सेकेंड इज b² एज वेल एज बी आल्सो इज डिविजिबल बाय 5, व्हिच मीन्स ए एंड बी बोथ हैव 5 एज द कॉमन फैक्टर। सो ए 5
ए को भी एंड बी को भी, दोनों को डिविजिबल करती है, डिवाइड करती है, एंड देयरफॉर वी कैन टेल नाउ ए एंड बी बोथ हैव फाइव एज द कॉमन फैक्टर, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एस्यूम्शन. हमने जो लिया है वो इनकरेक्ट था कि रूट फाइव इज रेशनल नंबर. सो इसीलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि रूट फाइव रेशनल नंबर नहीं हो सकता है. अगर रेशनल नंबर होता तो ए एंड बी बोथ को फाइव डिवाइड नहीं करता. ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, इसीलिए रूट फाइव कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता है. दस वी कंक्लूड दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर. दस वी कंक्लूड दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर.